किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, औसत कमाई जो एक किसान की मासिक है आज की तारीख में हिंदुस्तान में वो कुछ 6,500 रुपए, 100 रुपए और कम है, 6,400 रुपए है। आपकी संपत्ति लगभग 80 करोड़ के आसपास बताई जाती है, आपका क्या फॉर्मूला है? आप जब गरीब किसान कहते हैं वो गरीबी आप पर सूट नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ ना, सुन लो ना, मेरी कम मेरी तो कई लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। नमस्कार दोस्तों, समाचार 2.0 की एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज एक शानदार डिबेट वीडियो लेकर आ गया हूँ, वीडियो अंत तक देखना। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है रूबिका लियाकत और किसान नेता राकेश टिकैत के बीच में। दोस्तों आज की डिबेट में रूबिका लियाकत ने ये किसान नेता को एक्सपोज कर दिया। ये नेताजी अपने को गरीब किसान कह रहे थे, फिर रूबिका लियाकत जी ने उनकी पुलपट्टी खोल दी। दोस्तों आज की डिबेट बहुत मज़ेदार होने वाली है, अंत तक देखना। एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पावर है राकेश, यहाँ पे 175। आपने जो अभी जिस तरीके से अपने लहजे को बदल दिया, और अगर ये नहीं करेंगे, अगर हमने ये चीज कह दी कि भाई या तो आप हमारा काम कर दो, नहीं तो दिल्ली की तरह यहाँ पे भी हम चारों तरफ कूप बैठेंगे, तो कौन सी गलत चीज कहती? नहीं, गलत आपने धरना देने का तो लोकतांत्रिक तरीके में सबको अधिकार है। लोकतांत्रिक तरीका जब आप ये कह रहे हैं तो रास्ते बंद करना, लोगों को परेशान करना थोड़ी लोकतांत्रिक तरीका है। आपको कोर्ट की टिप्पणी नहीं आ रही, उसका फैसला नहीं आ रहा। लोगों को परेशान नहीं, लोग परेशान होते हैं महंगाई से, लोग परेशान होते हैं महंगाई से। आपको पता ना महंगाई कैसे आती है? जब डीजल के गैस के रेट बढ़ते हैं उससे, जब आप ऑफिस नहीं जा पाते परेशान होते हैं, जब वहां पर प्रोडक्शन जितना होना चाहिए नहीं हो पाता है, जब जाम की वजह से आदमी वहीं का वहीं टिक जाता है। एक तरीका ये भी है ना, तो आप जब रस्ते रोकेंगे तो महंगाई में बढ़ोतरी का योगदान आपकी तरफ से भी आएगा। ना, 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 इतना इकोनॉमिक्स तो आप भी समझते हैं। रास्ते कहीं नहीं रुक रहे। हमने जितना अनाज पैदा करा देश में, 2007 में देश बाहर से गेहूं खरीद रहा था, प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। नहीं टिकैत साहब, ये सब मुझे पता है। टिकैत साहब आप जानते हैं मैं बहुत अरसे से आपके साथ ये इंटरव्यू कर रही हूँ, उनसे बात मैं उसके लिए आपसे विनम्रता के साथ मैं सर झुकाकर उसके लिए आपको तमाम किसान भाइयों को धन्यवाद देती हूँ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप लोकतंत्र को तार तार कर देंगे, आप धमकियां देने लगेंगे, आप बातचीत के टेबल पर क्यों नहीं? हम नहीं करते, किसने कहा? आपकी ये सारे के सारे ऐसा क्यों लगता है? टिकैत साहब सुनिए ना, मैं भी आपकी सुनूंगी, आप भी मेरी सुनिए। मैं ये कह रही हूँ ऐसा क्यों लगता है कि आप यहाँ पर आंदोलन कम राजनीति ज्यादा कर रहे हैं? कहाँ पे हमें क्या चुनाव लड़ना? कहीं नहीं, चुनाव तो लड़ने की आपकी पुरानी आदत है, ये तो आप भी जानते हैं, और उसमें जमानत जब्त करने की भी आपकी पुरानी आदत। हम तो अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि उत्तराखंड में अचानक क्यों ये बात कहना, उत्तर प्रदेश में क्यों अचानक ये बात कहनी है आपको? ना उत्तराखंड में तो, पंजाब में क्यों अचानक ये बात कहनी है? उत्तराखंड में भी गए ना, हम तो हरियाणा में भी जाते हैं, राजस्थान में भी जाते हैं, कर्नाटक में तो चुनाव है नहीं, हम कर्नाटक में भी गए, उड़ीसा में भी गए, हम तो पूरे देश भर में जाएंगे। नहीं नहीं टाइमिंग क्यों? आप पुराने राजनेता भी सब जगह क्यों? और राजनीति में टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है साहब, आज मैं किसान नेता कम और एक राजनेता ज्यादा देख रही हूं। वोट देना कोई राजनीति होती है क्या? वो आदमी कौन है जो वोट नहीं देता? वोट तो हर आदमी को देनी चाहिए। नहीं, वोट देना राजनीति नहीं होती है, तो उसको चुनाव लड़ना राजनीति होती है। चुनाव लड़ना राजनीति ना, हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन पहले तो कभी चुनाव लड़े हैं ना? सात महीने लड़े हैं ना आप? चुनाव कह रहा है कि पहले क्या हुआ, अब थोड़ा चुनाव लड़ रहे हैं हम। हाँ, अब नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, अब थोड़ा लड़ रहे हैं, पर आप बीजेपी को हराएंगे। चुनाव नहीं लड़ेंगे लेकिन बीजेपी को हराएंगे। आंदोलन की बात। अरे अच्छा, कोई अगर वोट नहीं दे रहा तो बताओ उसका हम क्या करें? चुनाव तो 7 महीने बाद में है ना, चुनाव की बात तो बाद में कर लो, अभी तो कानून पर बात कर लो। ये जो गेहूं नहीं बिका यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, MSP पे खरीद नहीं हुई, उसको कहाँ पे बेचे? ये लखनऊ में जाकर रहा है, बिजली का बहुत महंगा रेट है। हल होगा कि सरकार के साथ बातचीत के टेबल पर आने से बंद होगा, मतलब हल निकलेगा कहाँ निकलेगा? बातचीत से हल होगा। तो फिर आप लखनऊ, उत्तराखंड और पंजाब जाएंगे तो फिर बातचीत के लिए कौन आएगा? क्यों नहीं जाएंगे हम भाई? यहाँ पे सरकार से तो बात करनी पड़ेगी। क्या 4 साल में देश में महंगाई नहीं बढ़ी? आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष को हमारी बात सुननी चाहिए, किसानों की आवाज उठानी चाहिए। आज राहुल गांधी ने आपकी आवाज उठाई है, वो ट्रैक्टर चलाकर संसद भवन पहुंचे हैं। हाँ तो जाना चाहिए उनको भी। हम तो इनको भी कह रहे भाई आप काम करो, आपकी सरकार है, गन्ने का रेट बढ़ा है, बिजली के रेट कम हो, तो इनको कौन करेगा? विपक्ष थोड़ा करेगा कि अब हम विपक्ष के पास में जाए, हमारे रेट कम करवा दो। विपक्ष का जो काम है वो हाउस में अपनी आवाज उठावे, लेकिन सत्ता का जो काम है
उसके बातचीत करके किसानों से उसका समाधान करना चाहिए। टिकैत साहब आप ये कह रहे हैं कि आपको राहुल गांधी के लड़ाई करने के साथ की जरूरत नहीं है, आप अकेले अपना अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष की जो भूमिका है उसको निभाना चाहिए उनको। अगर वो ट्रैक्टर लेकर गया है तो क्या दिक्कत होगी उसमें? हम तो इनको भी कह रहे हैं कि ये भी ट्रैक्टर पे जाए। जब ये विपक्ष में होते थे तो गैस का सिलेंडर सिर पर रख के घूमते थे सड़कों पे, को घूमते थे या नहीं घूमते थे? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, डीजल एक उनकी वीडियो आई है आप लोगों के माध्यम से ही, जब 7 पैसे डीजल पर रेट बढ़ा तो वो कनाट प्लेस से गाड़ी में बैठ के गए वहाँ पे। हाँ। तो अब अपनी भूमिका जिसकी होती है निभाता है, करता है काम उसमें, हम क्या करें उसमें? आपकी अभी भूमिका क्या है? अपना काम करना चाहिए। एक राजनेता, एम्बिशियस राजनेता की भूमिका है कि क्या आप किसान अगर नेता के रूप में है, आप किसान अगर नेता इस वक्त है भी तो आगे आप सोच क्या रहे हैं? भूमिका है आम नेता कहाँ है? हम तो किसान हैं, खेती करते हैं, हमारी फसलें आधे रेट में बिक रही। राकेश टिकैत साहब, तो हम अपनी आवाज ना उठाइए, आप उठाइए, आपकी एक तस्वीर आती है, आप एसी में आराम फरमा। हाँ, उठाएंगे। और मैं आपको ये बताऊं, बहुत लोग ये कहेंगे क्यों भैया किसान एसी में नहीं सो सकता है? हाँ, सो सकता है सर, मैं तो चाहती हूं देश का हर किसान एसी में नहीं सो सकता, मुझे पता था आप ये कहेंगे। सुनिए ना टिकैत साहब, मतलब मैं ये कहती हूं जो सरकार है ना ये चाहती है कि किसान गरीब रहे, किसान पे कपड़ा ना रहे, किसान को जानकारी ना रहे, किसान एसी में भी लुटेगा। आप रहिए एसी में, लेकिन आपके बाकी साथी किसान एसी में ना लौटे। हाँ। किसान एसी में लौटेगा तो वो अपराध है। टिकैत साहब आपकी बात कर रही हूँ, मैं किसान की बात तो भाई राजनेता जो है, टिकैत साहब मैं आपकी बात कर रही हूँ, सुनिए सुनिए, आप एसी में सोते हैं, वो बाकी सारे किसान जिनको आप जगह जगह लेकर जा रहे हैं वो कभी ट्रैक्टर के नीचे सोते हैं, कभी तंबू लगाकर सोते हैं, कभी उनको पानी नसीब हो रहा होता है, कभी उनको पानी नसीब नहीं होता। हम तो वही तो सोते हैं, एक तरफ आप किसान हैं और दूसरी तरफ आपके आंदोलनकारी किसान। एक प्रेस का सुनिए टिकैत साहब, प्रेस का ऑफिस बनवा दिया वो आप लोगों के बैठने के लिए बनवा दिया। शुक्रिया। मैंने अब इंटरव्यू जो है ना प्रेस वालों को इंटरव्यू में धूम देता हूँ वहाँ पे। अच्छी बात है, ठीक है, प्रेस का ऑफिस है, गरीब किसान आप एसी घर बता रहे हो, प्रेस का है। किसान जो है वो आंदोलन कर रहे हैं, औसत कमाई जो एक किसान की मासिक है आज की तारीख में हिंदुस्तान में वो कुछ 6,500 रुपए, 100 रुपए और कम है, 6,400 रुपए है। आपकी संपत्ति लगभग 80 करोड़ के आसपास बताई जाती है, आपका क्या फॉर्मूला है? आप जब गरीब किसान कहते हैं, हाँ नहीं नहीं वो गरीबी आप पर सूट नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ ना, सुन लो ना, मेरी तो कई लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। हाँ, वो कैसे 80 करोड़ किसने बता दी? मेरी तो कई लाख करोड़ की संपत्ति, मुझे तो इधर उधर से पढ़ के कहीं से पता चला, आज आप बता दो की है, आप बता दो कितनी करोड़ की है। हाँ नहीं 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 नहीं, मुझे तो नहीं पता भाई, सरकार को लगाना पड़ेगा हमारी संपत्ति कितनी। नहीं टिकैत साहब, सीए लगाने जब आप गरीब किसान कहते हैं टिकैत साहब, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये मेरे सामने बैठा गरीब किसान उसकी संपत्ति कितनी है? मेरे साथ में बैठे इस गरीब किसान राकेश टिकैत की संपत्ति कितनी है? और हमें तो नहीं पता कितनी, जांच करवाओ ना कितनी है हमारी, हमें तो नहीं जानकारी कितनी है, क्या पता कै करोड़ रुपए की संपत्ति है हमारे पे। ये सारे किसानों की संपत्ति हमारी तो है, ये तो आप किसान हैं, ये जिंदगी सब संपत्ति हमारी है। ये तो इस सवाल से बचने का तरीका हुआ टिकैत साहब, और इसीलिए साफ गोई से, जितना साफ गोई से आप अपनी बात रखते हैं, भाई ये भारत सरकार क्या कर रही है? अपनी चीजें आप रख दीजिए सामने, मैं ना मुझे बस इस बात से भारत सरकार क्या कर रही है ना, कि जब आप गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं और आप जब ये कह रहे हैं कि एसी में गरीब किसान नहीं सो सकता, तो मैं जानना चाह रही थी कि आप कितने गरीब किसान हैं। बहरहाल कोई बात नहीं, दोबारा आपसे बात, गलत चीज है, गलत चीज है, ये नहीं कहा हमने, गलत चीज है, हमने ये कहा कि देश की सरकार और आप जैसे लोग, देश की सरकार और आप जैसे लोग ये चाहते हैं कि देश का किसान गरीब रहे, वो उसका विकास ना हो, उस पर फटा हुआ कपड़ा रहे, नहीं, नहीं, वो सर, गाड़ी ना ले सके, नहीं, नहीं, देश का किसान गरीब नहीं, रहे, नहीं, आप ये तो ये वो भाषा बोलते हैं जो भाषा, ये हो गया विक्टिम कार्ड, ना ना गलत बात, मैंने कहा मैं चाहती हूँ आप एसी में रहे, मैंने कहा कि आपको भी वही हक है जो देश की किसी भी जनता को हक है। नहीं नहीं टिकैत साहब, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि आपकी संपत्ति क्या है, आपने बाकी किसानों पर छोड़ दिया क्योंकि आपने कहा मैं गरीब हूँ, मैं एसी में नहीं सो सकता, तो मैंने पूछना चाह के बताइए कितने गरीब हैं आप, मैं जानना चाह रही थी कितने गरीब हैं आप। हम तो गरीब ही तो हैं, हम तो ठीक है, अरे गरीब हैं, खेत से जो पैदा होता है उससे गरीब हैं हम, ठीक है सर, मैंने मान लिया आपकी बात, जो फसल पैदा करते हैं उसकी कीमतें नहीं मिलती, मैंने मान लिया आपकी बात, जो फसल पैदा करते हैं गरीब हैं उससे गरीब हैं हम, हाँ ठीक है मैं मान ली, फिर भी जो फसल पैदा करता है देश का किसान, लोकतांत्रिक बड़ा हो या छोटा किसान हो, लेकिन लोकतंत्र को तार तार करने का नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो अंत तक देख ली तो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड वीडियो के बारे में अपना क्या राय है कमेंट में जरूर लिख के जाना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सियाराम।